राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की ओर से आज हमारे सहयोगी भाई देवता इन्होंने इस तालुका में हर समाज के लोगों को एकत्रित लेकर यहाँ पे काम करने की अपनी भूमिका रखी है और इसी वजह से आज हम सभी पार्टी के विविध पद पे कार्यरत रहने वाले हमारे इस जिले के हमारे सहयोगी और इस तालुका में जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो सारे सदस्य, एक धारणा होती है कि जब हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उसी के नाते हम हर एक समाज को भी अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं और जिस विचारधारा से आज हम राष्ट्रवादी पार्टी के सहकारी हैं तो मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में इस तालुका में इस जिले में हर समाज के लोगों को साथ लेकर एकत्रित रखकर हमारी पार्टी यहाँ पे काम करेगी। आने वाले समय में फिर वो कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, यानी हम अभी राजनीतिक पक्ष है तो निश्चित रूप से अब निवडणूक हम इलेक्शंस की बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ मुंबई करों को हमारी पार्टी से जो काम वो चाहते हैं वो करने के लिए हम यहाँ पर तत्पर है। आज इस बात को मैं समझती हूँ और मेरे भाई देवना जी इनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरह से आज इफ्तार का कार्यक्रम यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहनों के लिए आयोजित किया गया, इसी तरह हर समाज के घटक को साथ में लेकर ये इस जगह इस तालुका में कार्यरत रहेंगे, ऐसी मैं सद्भावना व्यक्त करती हूँ। काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए, अध्यक्ष भी पूना साइड से आए, क्या कुछ कहना चाहिए? देवान्ना का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो सभी ने इकट्ठा आना ही चाहिए क्योंकि देवान्ना का एक ऐसा नेचर है जो भारत में कहा जाता है वैविध्यतामय एकता, तो वो देवान्ना बराबर हैंडल करता है। उस आज आपने देखा होगा हजारों लोग यहाँ पे आए और हजारों लोग आए विविध प्रांत के हैं, विविध लैंग्वेज के हैं और सारे आके यहाँ पर इन्होंने पार्टी का इफ्तार पार्टी का दिल से एक किया, दिल से भावना से मजाक लिया और आदर किया। तो देवान्ना का नेचर ही वैसे है, वो ऐसे नहीं देखता है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख ईसाई, ऐसे नहीं देखता है। वो मानवता उसका धर्म है और मानवता के धर्म से वो चलता है, उसे कोई पोस्ट हो या ना हो, लेकिन वो बोलता है मैं राष्ट्रवादी का हूँ, मुझे राष्ट्रवादी के लिए काम करना है। बहुत बार उसे बहुत सारी तकलीफें आ भी गई लेकिन उस पर वो फेस करता जाता है, संघर्ष करना उसका काम है और संघर्ष करना उसे पसंद भी है वैसे, क्योंकि कभी कभी मैं बोलती हूँ देवा बस हो गया अभी, वो बोलता है नहीं ताई आप मेरे पीछे है ना मैं करता हूँ। मैंने बोला अच्छा करो, लेकिन पीछे है बोले तो क्या सब कुछ तुम ही तो कर रहे हो, लेकिन बस तो वो खाली मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हूँ। लेकिन एक इतना अच्छा लड़का है, परिपक्व नेता है वो,
युवक उसके पीछे मैंने इतने देखे हैं, अभी तो मैं तो एजेड हूँ लेकिन हमारे जैसे बुढ़े लोग भी उसके साथ हैं, लेकिन ज़्यादा करके मैंने देखा है राखी ताई चाचा बरोबर है ना, उसके साथ है ना बहुत सारे आपके जैसे यंग बच्चे हैं। अभी देखो हमारा आलमगीर भी वैसा ही है, उसके साथ भी इन लोगों इन सब की दोस्ती है और ये सारे अपने दोस्त को लेके है ना यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। हमारा जिलाध्यक्ष भी यंग है, अभी जिलाध्यक्ष यंग होने से हमारी मुंबई के अध्यक्ष यंग होने से क्या होता है, हम लोग बूढ़े लोग है ना साइड हो जाते हैं, लेकिन है। लेकिन इनका नेतृत्व है, इस तरीके से काम करते हैं ना ये लोग, इस तरीके से काम करते हैं ना कि हम लोगों को भी लगता है अरे ये हमारे ध्यान में कैसे नहीं बात आ गई। तो देवर ना जहाँ जहाँ पे जाता है ना वहाँ वहाँ पे लोगों को अपना सा करता है, वो लोह चुंबक मालूम है ना, वो देवर ना लोह चुंबक है, सबको खींच के लेता है, सबको खींच के लेता है। तो लेकिन मैंने उसे ना ऐसे ही छोड़ दिया है, तुम्हें जाना है वहाँ पे तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, अगर कुछ तकलीफ है तो संभालने के लिए मैं वो सब वो अपनी राखी ताई है, वो उसका दादा है अजीत दादा है उसका, ये सब इसके भाई सब है, उसके ये है अपने महाराष्ट्र के उसके अध्यक्ष है उसके साथ, तो ये सब आप तो उसके साथ पहले से ही है ना, तो ये सारी हमारी बहना उसके साथ है, बहना नहीं हमारी लड़कियाँ ही है वो सब, तो जया जैसी है ये सारे यहाँ उसके लिए वो जहाँ पे बुलाएंगे वहाँ पे दौड़ कर आते हैं, तो एक उसका नेचर ही कुछ अलग टाइप का नेचर है, वो उसे बहुत सारा काम करना है, आगे भी बहुत सारा काम करना है, और वो सारा सब मैंने इनके हाथ में उसे दे दिया है, अब हमारी अध्यक्षा देखेगी क्या करना है क्या कैसे करने का है, वो संभालेगी उसको, और सारे आप लोग सब है, इन लोगों की किसी की ज़रूरत नहीं है, असल में देवा खुद वैसे कैपेबल लड़का है, वो कभी हमारी मदद नहीं लेता है, वो कुछ करके दिखाता है और वहाँ पे हमें बुलाता है, तो ये उसकी खासियत है, और ऐसे ही देवण्णा आपका भाई ऐसे ही बड़े होते जाएगा, और बहुत 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 उसके लिए बहुत हम लोगों को खुशी होती है, ऐसे ही उसकी और सबको खुशी देते जाए। मैं सबसे पहला उत्तर पश्चिम जिला की तरफ से हमारे मित्र देवानंद जी उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देवान्ना मैं शायद इस जगह पे दूसरी तीसरी बार उनके कार्यक्रम में मैं इस साल में आया हूँ। देवान्ना ये संदेश देने का काम कि आप इस देश में फिलहाल हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई करने का काम जो कुछ समाज कुछ पार्टी करने की कोशिश करते हैं, तो देवान्ना जैसे जो यंग ग्रुप है वो उनको दिखाना चाहते कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के हम रहेंगे। आपके ऐसे कुछ पार्टी लेवल में आप सरकार की तरफ से अलग अलग धर्म के नाम से लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, उस बंटवारे में हम नहीं रहेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे, सब मिलके मुंबई शहर को जो सभी लोगों ने जो मुंबई शहर का जो योगदान दिया है उसमें हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे सिख रहेंगे ईसाई रहेंगे अलग अलग पार्टी के समाज के जात के धर्म के प्रांत के भाषा सभी लोग हम साथ में लेके हम काम करेंगे। और देवानंद ने ये संदेश देने का काम ये किया है, मैं देवान्ना और उनके पूरे टीम को उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम फिर एक बार जो मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी दीदी राखी दीदी के नेतृत्व में कि आने वाले चुनाव में आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में हम ये सब दिखाएंगे कि हम सब मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम सब मिलकर हम पार्टी के लिए बढ़ाना चाहते हैं और पार्टी के लिए सभी को योगदान देना चाहते हैं, ये देवान्ना के रूप से हमको अभी यहाँ पे दिखा है, हम आगे भी ये काम चालू करेंगे। और मैं फिर एक देवान्ना और तुम्हारे सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे हमारी मुंबई के और महाराष्ट्र के हमारे नेता आदरणीय अल्पना ताई जी है, मुंबई के राखी दीदी अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आइए, मैं जिला अध्यक्ष बोल के उनको भी मैं शुक्रिया और उनका स्वागत करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे मुंबई के नेता और पूरी समाज के नेता हमारे प्रदीप टपके जी है, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष एक बार शायद लंबे से आए हैं नागपुर से आए हैं, मैं उनको भी आपका मुंबई में आपका हार्दिक स्वागत है।
हमारे मुंबई के दूसरे नेता द्विवेदी जी है, मेरे साथ काम करने वाली निशा जी है, उपाध्यक्ष और इसमें तालुका, हमारे तालुका के जो ये आलमगीर हमारे जिला में जया जी यहाँ पे है, सभी लोग और आपकी ट्रिपुरी टीम, उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। दादा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, काफी दूर से आए आप यहाँ पर, कैसे मराठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संघटित कामगार विभाग प्रदेशाध्यक्ष या नाते मुंबई अध्यक्ष म्हणून आपण देवन आचार्यांना आपण हे केलं होतं, त्या काळामध्ये आपण देवन आचार्यांना पार्टीने वगैरे स्टे वगैरे, पण एवढा सगळा करून सुद्धा देवन शशी आचार्य ही व्यक्ती जी आहे की मी मुंबईचा अध्यक्ष आणि मी पार्टीचं कसं काम करतो आहे हे त्यांनी आत्ता ह्या इफ्तार पार्टीनं, इफ्तार पार्टीच्या अगोदर साहेबांचा वाढदिवस आणि इतर कुठलेही जेवढे मोठे मोठे कार्यक्रम झालेले हे उत्तमपणे पार पाडलेलं आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या झेंड्याखालीच हे केलेलं आहे। असंघटित कामगार विभाग, असंघटित कामगार विभाग मुंबई अध्यक्ष म्हणून काही दिवसामध्येच त्यांची नियुक्ती होणार आहे, ताई बरोबर ना? हो हे आपण ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण हे सगळ्यात चालले आणि नुसते असंघटितच नेता नाही आहे, ह्या जोगेश्वरीमध्ये आणि ह्या आजूबाजूच्या पंचकृषीमध्ये म्हणजे बाजूचे ते जे जेवढे जिल्हे आहेत तेवढ्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये असंघटितचा पूर्ण काम करणारा माणूस जो आहे, सक्षम माणूस तो देवनशिषी आचार्य, त्यांनी आज हे इफ्तार पार्टीमधून त्यांनी दाखवलेलं आहे की माझ्याकडे किंवा मग राष्ट्रवादी काँग्रेस पण आम्ही कशा कशा पद्धतीचे माणसं सर्व धर्मीय, म्हणजे असं नाही की बाबा मुस्लिम लोकांसाठीच त्या माणसांनी कार्यक्रम ठेवलेला आहे, त्यांनी हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई ह्या सगळ्या पद्धती सगळ्या लोकांना त्यांनी बोलवून गोरगरिबांना वारंवार ह्या माणसांनी म्हणजे कोरोनाच्या काळामधल्या काळामध्ये का होईना त्या व्यक्तींनी स्वतःच्या स्वखर्चानी कुठलाही पार्टीचा खर्च नसताना स्वखर्चानी त्यांनी कित्येक लोकांच्या रोजीरोटी गेलेली रोजीरोटी त्याच्यानंतर कित्येक लोकांच्या विजलेल्या चुली त्यांनी पुन्हा पेटवलेल्या आहेत, हे फक्त कोण करू शकतो, ज्याला जमतो तोच माणूस, आणि तो कोणाला जमतोय ते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असलेच लोक आहेत आणि हे आम्हाला मोठ्या म्हणजे आमच्या मोठ्या साहेबांनी जो आम्हाला शिकवण दिलेली आहे, आम्हाला ट्रेनिंग जी दिलेली आहे ती ह्या पद्धतीने आहे आणि तो ह्याच पद्धतीचा कार्यक्रम हे करण्यासाठी देवशशी आचार्यांनी जी इफ्तार पार्टी जी ठेवलेली आहे त्याचं मी स्वागत करतो की हे एवढं सगळं जमवून आणण्यासाठी हे शक्य नाही आहे, ते त्यांनी शक्य करून दाखवलेलं आहे ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आणि माझा टोटल युनिट असंघटितचा युनिट आणि बाकी सगळे काय राखीताई आहेत, अल्पनाताई आहेत, राव राणे आहेत आणि बाकी सगळे इथे त्यांचं मी स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार मानतो। सबसे पहले तो मेरे पास शब्द ही नहीं है आज तो मेरे मतलब शब्द मन दिल सब ऐसे ही काँप रहे क्योंकि मेरी माता यहाँ पर है, मेरी बड़ी बहन यहाँ पर है, बड़ा भाई यहाँ पर है, सारे वरिष्ठ गण हैं, मतलब मैं जिनको मैं देख के और जिनके जैसे अभी ताई ने बोला कि देवा तो पहले से ही संघर्ष करता है और ये क्योंकि जो तरीके से ताई हमको जो ताई ने जो ट्रेनिंग दी है तो इनका पहले से एक ही है कि राजनीति बोले तो जैसे ताई ने हमको हमेशा सिखाया है कि एक तपस्या है कि आप फल की चिंता मत करो, आप अगर फल की चिंता करोगे तो वो तपस्या आपकी कभी संपूर्ण होगी नहीं। तो आज 17 साल हो गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, ताई का आशीर्वाद है और हमारी राखी ताई का आशीर्वाद है, दादा का आशीर्वाद है और इनका सबका गाइडेंस है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, बस मेरा एक सोच रहता है कि मैं मेरे पक्ष के लिए क्या कर सकता हूँ और पवार साहब का जो उद्देश्य है जो मेरे को मेरे वरिष्ठों के थ्रू मेरे पास आया है उनको मैं मेरे इधर जोगेश्वरी की जनता तक कैसे लेके जा सकता हूँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। और जैसे दादा ने एकदम परफेक्टली कहा था ये हमारा जोगेश्वरी था जो 93 राइट्स में पूरा जल गया था, अभी रिसेंटली भी हमारे इधर आग लगी थी घास कंपाउंड में, अब मानेंगे ना दाई 15 मिनट में 400 गाले जल गए थे 15 मिनट्स में, तो इतना फ्लेमेबल एरिया है इसमें ताई। अभी जैसे बीजेपी का अभी हमारे इधर के MLA जो बीजेपी के है अभी इनका पहले वो शिवसंग्राम में राष्ट्रवादी में थी मैडम, पर आप अभी देखते रहेंगे कि बीजेपी ने जिस तरीके से मैं ये इसके लिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी अब रामनवमी में गई था यहाँ पर, अभी मालवनी में रामनवमी हुई थी, 350 केसेस रजिस्टर हुए थे हिंदू मुस्लिम से। अच्छा ये होता क्यों है, पहले तो ऐसा कभी था ही नहीं, पर ये हमारा एक जोगेश्वरी था, एक ऐसा है जिधर हिंदू भाई
और मुस्लिम भाई का इतना एकता है, ताई मेरा तो कुछ भी था नहीं, ये पूरा जो भी आप आज देख रहे हो आप, ये हमारे पूरे मुस्लिम भाई लोग ने किया है। अच्छा, इनका मेरे तरफ और अपने पार्टी की तरफ इतना प्यार है, जिसमें हमारे इधर के तालुक अध्यक्ष निहाल सैयद है, जिला अध्यक्ष हमारे वेनिटो डिसूज़ा है, वो क्रिश्चियन है, आप समझे, सबका एक यूनिटी है और सब लोग मिलकर अपनी अपना जो टीम है, बाबा हाँ हमको ये करना है। 5 तारीख का लिया ले डिसीजन ताई, आज 10 तारीख आज आप लोग सब लोग आशीर्वाद, हम लोग सब लोग के बड़ी आपके जोगेश्वरी में है। और मैं ताई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप और अल्पना ताई और टपके साहब दादा और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष चिंतामणि द्विवेदी साहब नाना जी और हमारी ताई आप लोग नवेश भाई आप लोग सब लोग हमारी इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए आपने और हमारी बॉम्बे की टीम की आप लोग ने इज्जत रखी ताई, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल से शुक्रगुजार कि आप आए हमारे देखिए मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं मेरे को आप आए बोल के, क्योंकि आप आए मतलब हमारा एक फंक्शन धन्य हो गया ताई, थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हम कुछ रखेंगे तो प्लीज़ आइए। हाँ हाँ।